लैन जाने हुसैन जाने। दरवेश एक फकीर दरख्त की ढो ला के बैठा जी, बंदा एक कोलों लंघिया उन्हें बुलाया उरा, वो कोल आया उन्हें वे क्या आखन लगे कि मेरा इलम दस रहा है तू अठा दिन बाद मर जाना है। हूँ इतें ही सड़क पर अजमा लियो कि बंदा टुरया जान दिया उन्हें तेन बुला के आखना तू अठा दिन बाद मर जाना। तो चलो इट शिट नहीं तो जबानी कलामी तो कुछ ना कुछ तो करेगा। ये चंगा जी बंदा मैं चंगा पला अपने ध्यान टुरया जाने तो मैनू आंदा अठा दिन बाद मर जा। खैर परेशान तो होया गुस्सा नहीं किया, मनन वाला सी मौला अली दा। मौला की बारगाह च आया फकीर को सीधा मौला की बारगाह च आया तो मौला वेख के मुस्कुराए तो जनाबे हसनैन शरीफ हैं पाक बाबा जनाबे अमीर अल इस्लाम मुस्कुरा के फरमेंदे ने इस गलों परेशान है कि उन्हें आख्या अठा दिन बाद मर जाना। इस गलों पर उन्हें आख्या अठा दिन मौला परेशानी तो होंगी है ना, चंगा भला टुरया उन्हें अच्छे अच्छा बुला के मैंने आख्या अठा दिन बाद मर जाना है। अल्लाह करे कोई बंदा पिछे ना रह जाए। बड़ा सोहना सुन दे पे हो इस गलों परेशान अठा दिन बाद उन्हें आख्या मर मौला परेशानी तो चंगा भला टुरया उन्हें। मौला फरमाया उन्हें अपने इलम के मुताबिक दसिया हूँ गौर ना सुन मैं अली आख रहा चार दिन बहुते दसे ने अली फरमान चार दिन बहुते दसे ने हूँ कि बंदा लुत्फ ले गया इस गल चार दिन बहुते दसे ने। अच्छा उत्थे अठ दिन तो परेशान है इत्थे चार दिन तो मुतमाइन ने क्योंकि आखण वाला अली है। जेड़ा आखण वाला है सच्चा ही इन्ना है उनकी सदाकत पे शक करने वाला है ही लान। बंदा बड़ा सियाना सी शाह जी भज के पैर फड़ ले मौला दे पैर फड़ ले ऐ जिवें लाडले मुरीद है भज पैर मौला जी ये दस सकते हो ना मैं चौं दिन बाद मरना तो जिंदगी भी दे सकते हो ते लाड़ दे नाल मैं नहीं मरना मां हसनैन जीवनी मैं नहीं मरना मैनू जिंदगी चाहिए मैं जिंदगी लैके। मौला फरमा चल उठ वो तो तेज रफ्तार घोड़ा लै सफर शुरू कर दे सारा दिन तेरा सफर च अगो सारी रात सुबह दियां बांगा मिलदियां होंगे मंजिल ते पहुंच जाएगा। अली फरमाते जिथे भेज रहे उहदे कोल जाके उहदी बेटी दा रिश्ता मांग ले। इन्होंने लफ्जा तो दो चार मिनट भी लग सकते सर मैं बिल्कुल एवं तीन चार सैकंड दे वेच ही सफर कर लिया। लो जी उन्हें घोड़ा लिया तो सफर शुरू सारा दिन जिवें मौला दस सारा दिन सफर अगो सारी रात ओ सुबह दियां बांगा मिलदियां पहुँच गया दक्कुल बाप दर दरवाज़ा खटखटा वो घर वाले दरवाज़ा खोलिया मेहमान बनाया जो उस दौर च खिदमत खातर सेवा की सेवा करन दे बाद बह गए घर वाला को सामने बह गए हाँ जी किनू मिलना है किवें तशरीफ आ कितों आए हो कोई दूसरी गल नहीं की अपनी बेटी का रिश्ता है। वो परेशान हो के आख एडी बेतकल्फी मेरी कोई खिदमत कोई कमी वेखी लेकिन नहीं कोई मेहमान नवाजी च कमी कोई कोताही नहीं एडी एडी वड्डी गल तैनू पता तू की आख सारा पता मैनू मैं की आख इनकार नहीं करना इन्नी मेरे को जायदाद है इन्ना पैसा रुपया इन्ना माल डंगर कुछ नहीं चाहिए सारा कुछ रख ला लिखवा ला इनकार नहीं करना सारा कुछ रख ला। बीवी ने उस घर वाले दी बीवी ने गल सुनी और आए ना कहदी बहस है की आंदा भरी अजीब असी कोई मेहमान नवाजी कोई कसर छोड़ी अजीब बंदा बेटी का रिश्ता मंगन दे बीवी आख्या करनी तो तू अपनी एक मशवरा दें हाँ
परदेसी है, मुसाफर है, ते अल्लाह दी रहमत है साढ़े तक, अल्लाह दी रहमत हुंदी ते परदेसी है, खूबसूरत भी है, जवान भी है, बेटी साड़ी भी जवान, ते मेरी मन इहदे नाल ही कर दे। दौर बड़ा मुश्किल हुंदा सी, उन्हें आख्या असी लभांगे अगों चंगा निकले ना निकले, ते मेहमान अल्लाह दी नेमत हुंदी, अल्लाह दी रहमत है, ते मेरी मन इहदे नाल वेख लै, सब दा नहीं पता, ना सब दा नहीं पता है कित्थों आया कौन, ना कि ज्यादा ना सोच, उन्हां ते डोरां सुट इहदे नाल ही कर दे। चलो मैं कुछ करदा हुण, जिहड़े शुरू तो मेरे नाल ने, हुण वेखना कि लुत्फ किन्ना कि लैंदे हो गल दा, किहड़े हाजिर बैठे हो, कोल आ के आखन लगा, अच्छा यार गल सुन, इंज कर चार कु दिन मैनूं सोचण लई दे। उहने आखिया चार दिन, जिहड़े हाजिर बैठे हो हैं, दो दिन तक तुसा जी लगाई बैठा, जियो देरी सुभान अल्लाह, मौला जिंदगी कर, मौला इन्हां बुजुर्गां दा साया साढ़े सर। उन्होंने कहा चार दिन, दो दिन तो पिछे नगाई बैठा है, चार ना, आ सिर्फ दिन चढ़ते तक इंतजार है, फैसला कर दिन तो करना है। घर बीवी ने भी सलाह दी, वह भी गल समझ, अपनी भी समझ च आ गई, दिन चढ़िया निकाह करवा दिता। जिहड़े हाजिर बैठे हो, ओ जिन्हें चौं दिन बाद मरना सी ना, निकाह दे बाद साल उथे रहा, जिन्हें चौं दिन बाद मरना ही, निकाह दे बाद साल उथे, साल दे बाद अल्लाह ने पुत्र दिता। अज हुण बीवी दे सामने बह के आखन लगा, पली एक बड़ा वड्डा राज है जिहड़ा मैं तेरे तो लुकाया होया। बाबा जी दौर ऐसा सी, बीवी अपना मजहब खामद को लुकवाउंदी सी, खामद अपना मजहब, ये भी दौर रहा है। तो अज एक बड़ा भली बड़ा वड्डा राज है जिहड़ा मैं अज तेरे नाल शेयर करना चाहना, मैं तैनूं दसना चाहना। बीवी आख्या खैर है, हाँ हाँ खैर है, केड़ा राज केड़ा, बीवी पूछे राज केड़ा, मैं क्या राज ये वे कि मैं हाँ मौला अली दा मानी, मैं उस घर दे मन्नण वाला, ते मैं चौं दिनों बाद मरना सी, जदों तुहाडे कोल आया उदों दो क दिन ही रह गए सन, मैं चौं दिनों बाद, यह जिहड़ा तेरे नाल निकाह वाला रस्ता है ना, ये मेरे मौला अली ने दसिया, मैं उस घर दा मन। बीवी मुस्कुरा के भला होवे उहनां दा, असीं भी उसे घर दे मन्नण वाले आ, उन्होंने तेनों एवें नहीं साढ़े को भेजिया, वो जान दिन वो जान दिन, वो गल शुरू वाली मेरी याद न, जे नहीं जानते फिर कौन जाने, ठीक है, तो उन्होंने एवें नहीं भेजिया, असी भी उसे घर दे मन, मैं तो बड़ी सोहनी गल हो गई, चल फिर पुत्र नूं तैयार कर, आ भी तैयारी कर तो सफ़र करिए। मैं उदास भी होया, साल हो गया, मौला का सलाम भी करना, शुक्रिया भी अदा करना। लो जी और शुरू वाली गलों के जेडे नाल नाल चलते आ रहे हो, बीवी नूं तैयार किया, पुत्र नूं तैयार किया, सवारी लई, सफ़र शुरू, उतों ही गुजर होया वह जिथे फकीर बैठा सी, अठ दिन जिन्हें आख्या से अठा दिन बाद याद ही ना, उतों की लंघिया, उन्हें वेख के ना, तो बीवी नूं आंदा जरा पुत्र मैनू देवे ना, उन्हें फकीर नूं विखा के जरा पुत्र मैनू दे, ए पुत्र फल के फकीर वखा कोल आ, अस्सलाम वालेकुम, फकीर ने अस्सलाम का जवाब दिता, ए सिर चुक
मुस्कुरा के फकीर आखन लगा ज्यादा सवाल नहीं करता, इको गल का जवाब थे। मेरे को उठ के किदे को गया सी, मेरे को उठ के किदे, मैं अपने मौला अली को गया। फकीर मुस्कुरा के आखन लगा जिन्ना क मैं जानता सी मैं दसता, इस तो अगर या अली जानता या उनकी औलाद जानती। नतीजा जियो, इस तो अगे या अली जानता जिन्ना क मैं जानता मैं दस, इस तो अगे या अली या उनकी औलाद जान। मैं सदके आया लो जी फकीर का सलाम करके मौला दी बारगाह च आया, आप भी सलाम किया, पुत्र का भी सलाम करवाया, बीवी ने भी सलाम किया, इंज पैरों च बह गया जनाबे अमीरे कायनात, इंज पैर नप के मौला तुसी फरमाया सी कि मैं चार दिन बाद मरना, आखण लाए ली यकीनन मैं मरना ही सी, हसनैन जीवनी जिंदगी किवें वधाई है मौला, तुसा फरमाया चार दिन बाद मैं मरना ही सी, जिंदगी किवें वधाई है मौला। फिर मैंने जिदे नाल तेरा निकाह करवाया ना एदे हाथ ते बेवा होण दी लकीर ही कोई नहीं दो लैना क्योंकि बानी आंदा सादात दा हुक्म है, मैं खुतबे दियां पढ़ दा बाकी इत्थों।